देखिए, अब जो हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, उसमें हमसे कहा गया कि वैसी मशीन्स बनाइए नॉट स्टार्टिंग विथ ए एंड नॉट एंडिंग विथ बी. ठीक है, आप यहां देखो, यहां नेगेशन ऑपरेटर लगा हुआ है, नॉट. ठीक है, नॉट स्टार्टिंग विथ ए एंड नॉट एंडिंग विथ बी. तो इसमें जब भी हमें नॉट टाइप की मशीन्स जब हमें बनानी होती हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप वो वाली मशीन बनाइए स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी वाली. इन मशीन्स को आप बनाइए और इसके बाद इनका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए. ठीक है, तो आपको ये वाला डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ मशीन कैसे निकलता है, उसमें आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो भी आपकी फाइनल स्टेट्स हैं उनको आप क्या कर दीजिए, नॉन फाइनल बना दीजिए. ठीक है, और जो भी आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको आप क्या कर दीजिए, फाइनल स्टेट्स बना दीजिए. तो इस तरह से आपको मिल जाएगा. तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमने स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी वाली मशीन निकालनी है, उसके बाद उसका हमने कॉम्प्लीमेंट कर देना है, फिर हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा. तो जस्ट जो इसका पहला पार्ट था, अगर आप ध्यान से देखो उसको एक बार फिर से रेफर करते हैं, तो ये वो मशीन थी जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखी थी, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी. उसका हमें डिजायर डीएफए ये मिला था, ये उसमें फाइनल स्टेट्स थी. तो अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, देन इन दैट केस ये जो बाकी की जो तीन जो आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स थी, इनको हमने फाइनल स्टेट्स बनाना है. दैट मीन्स ये आपकी अब फाइनल स्टेट्स हो जाएंगी, वेयर एज ये वाली जो स्टेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन फाइनल स्टेट हो जाएगी. तो ये फाइनल आंसर होगा आपका किसका, नॉट स्टार्टिंग विथ ए एंड नॉट एंडिंग विथ बी. ठीक है, तो सिंपली ध्यान रखिएगा, जब भी नॉट लगता है तो आपको क्या करना होगा, उसके बगैर, आप नॉट के बगैर जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मशीन बनाइए, और उसके बाद उस मशीन का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए. ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल करना है एंड वाइस वर्सा. तो इस तरह से ये वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी. आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. आप